हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अजीज नाज़रीन। 3 अक्टूबर बरोज़ इतवार मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, कहां कहां मज़ीद बारिशें मतवक्का है, जबकि मुल्क के किन इलाकों में गर्मी का जोर रहेगा और शाहीन तूफ़ान अब किन इलाकों से अनकरीब टकराएगा, इस हवाले से अहम अपडेट पेशे खिदमत है। वेदर लवर मौसम की ताज़ा सूरत हाल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। महकमाए मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म, खुश्क और मरतूब रहेगा। अब बात हो जाए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के मौसम के बारे में। लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नारोवाल, सियालकोट, मंडी, भाउद्दीन समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला, जिनमें मुल्तान, लैया, भक्कर, रहीम यार खान, भावलपुर और भावल नगर में कहीं तेज़ और कहीं तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का बड़ा इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और इससे मुलिका चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। समंदरी तूफ़ान शाहीन, जो कराची और सूबह सिंध की साहली पट्टी से अपना रुख तब्दील करके ओमान के शहर मस्कत और इससे मुलिका इलाकों का रुख इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस कराची और कराची के साहली इलाके बड़ी तबाही से बच गए। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में सुबह सिंध के बेशतर अज़ला और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला में आज के रोज़ मौसम गर्म, खुश्क और मरतूब रहेगा। जबकि सोप, मूसाखेल, सिब्बी, लसबेला, खसदार, कलात, पंगजूर और तुरबत समेत सूबह बलोचिस्तान के साहली इलाकों में तेज़ आंधियों के साथ बारिशें हो सकती हैं।